अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इन टू द वीओ कॉन्सेप्ट्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी एमएस एक्सेल की कुछ सीरीज़ और एक प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक्सेल से रेलिवेंट जो हैक्स हैं या कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिनका हम इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकता है। ये जो प्लेलिस्ट होगी, तमाम ऐसे लोग जो एक्सेल पे काम करते हैं डेली और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने की जो है ना कोशिश करते हैं कम वक्त में, तो उनके लिए जो है ना ये वीडियोस जो है ना मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और आज मैं सोच रहा था कि किस जो फंक्शन है या कौन सा ऐसा फीचर है एक्सेल का कि जिससे स्टार्ट लिया जाए, तो मैं उसी को ढूंढ रहा था। तो उसे ढूंढते हुए जो है ना एक ख़ुद काम मुझे करना पड़ गया, तो आज हम उसी जो फीचर है उसी पे जो है ना हम आज वीडियो बना रहे हैं। और जो वो फीचर है हमारा आज का, वो है जी फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल जो है, ये एक्सेल जो है एक बहुत पावरफुल टूल हमें प्रोवाइड करता है, जिससे अगर कोई डेटा जो है हमें ऐसे मिल जाए जो सिर्फ एक सिंगल कॉलम में हमारे पास हो, और उससे उसे हमने जो है ना उस सिंगल कॉलम से हमने मुख्तलिफ कॉलम जो है ना एक्सट्रैक्ट करने हो, उसमें से डेटा को हमने निकालना हो अलग अलग, तो इस जो फ्लैश फिल का जो फीचर है इससे हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा और आपने देखना है, और साथ में शॉर्टकट की जो है वो भी हम साथ साथ जो है ना हमारी कवर होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी हम आज की अपनी वीडियो। ये थोड़ा तारुफ लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी आगे जो इसके पार्ट्स आएंगे उसमें हम फोकस करेंगे कि कम से कम टाइम में इंशाल्लाह जो फीचर्स हैं उन्हें कवर करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, हम यहाँ से उठा लेते हैं इसे। एक कॉलम में हमारे पास है और इस डेटा में हमारे पास जो है एक कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कैटेगरीज हैं, उनकी प्राइस हैं, ये सारी एक कॉलम में है, तो ये भी ऑर्गेनाइज नहीं है। अनऑर्गेनाइज जो है ना हम फ्लैश फिल के ज़रिए कैसे आसानी से कर सकते हैं, हम देखेंगे इसको। उसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा कॉलम है ना, उसके जो साथ वाला जो कॉलम होगा, हमने वहाँ पे अपनी जो डिज़ायर्ड हम कॉलम में जो डिटेल लिखना चाहते हैं वो हम लिखेंगे साथ साथ। जैसे मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो इस कॉलम में आए, तो मैं लिख लेता हूँ एप्पल मुझे चाहिए और यहाँ पे बनाना। ठीक है, तो ये इसने इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो है ना ए इसको करके फ्लैश फिल इसने ऑटोमेटिकली कर लिया। ठीक है, और इसको आप अब यहाँ पे मैं आपको ये फ्रूट और ये कंट्रोल ई हमने प्रेस किया, तो अब इसने सारा जो कैटेगरी का जो कॉलम है वो उसने हमें अलहदा कर दिया। और इसी तरह प्राइस का भी हम कर सकते हैं 1.99, उसके बाद है 0.99। दो दफ़ा वैल्यू इंटर करेंगे तो या तो ये ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा या आपको कंट्रोल ई प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये इसने आपको सारे जो है ना इस एक कॉलम में से तीन कॉलम सारा जो डेटा है इसने करेक्टली जो है ना आपको निकाल के दे दिया है। अब आप इस पर जो फार्मूला बाजी है जो भी करना है वो आप इस पर कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, और फ्लैश फिल जो है ना वर्किंग एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा फीचर है एक्सेल की तरफ से, जहाँ पे बल्क में आपके पास डेटा हो और उसको आपने जो है ना अच्छे से मैनेज करना हो, तो उसमें हमारे लिए फिर आसानी रहती है। ठीक है जी, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आपको फिर मैनुअली भी करनी पड़ती हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी आ गई, ये आ गई कैटेगरी, ये प्राइस आ गई, और यहाँ पे नेम आ गया जो भी प्रोडक्ट है आपकी। ठीक है जी, प्रोडक्ट का नेम आ गया। अब आप इस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं जो भी आपने करना है, इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, इस पर फिल्टर कर सकते हैं, इसका सम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे मज़े की इंशाल्लाह। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है कहीं कि आप को इशू है एक्सेल में, तो उस पर हम ताकि वीडियो बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नॉलेज को हम स्प्रेड कर सकें, शेयर कर सकें और सीख सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।